तो मुझे बताएगी मेरी लास्ट वीडियो को लेकर कई सारे लोगों की कुछ प्रिडिक्शन थी जो कि पूरी नहीं हो पाई। भाई कैसे होती, जब मैंने उसकी वीडियो ही नहीं देखी, मुझे तुम्हारे कमेंट से पता चलता है कि उस बंदी की एक नई वीडियो भी आ गई है। खैर जो भी इन चीजों को साइड में रखते हैं, अपन बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ गेम्स रिकमेंड करूंगा जिन्हें तुम अपने लो एंड पीसीज पर खेल पाओगे। इन सारी गेम्स को मैंने पर्सनली पास्ट में अपने कभी ना कभी जरूर खेला है और ये गेम्स मुझे काफी पसंद आई थी, तो इन गेम्स को मैं तुम्हें रिकमेंड करने वाला हूँ। हाँ, कुछ गेम्स है जिनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, जैसे कि फार क्राई 3, ब्लैक फ्लैग वगैरह, जिनके बारे में मैं मल्टीपल टाइम ऑलरेडी बात कर चुका। तो हमारे लिस्ट की जो पहली गेम है उस गेम का नाम है प्रोटोटाइप 2। ये गेम 2009 में रिलीज हुई थी, इसके पब्लिशर थे एक्टिविजन और इसे डेवलप किया था रेडिकल एंटरटेनमेंट ने। ये गेम काफी अच्छी है, इसमें तुम्हें एक अच्छा खासा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है और तुम्हारे प्रोटैगनिस्ट के पास एक अलग सी पावर होती है। ये एक थर्ड पर्सन एक्शन एडवेंचर गेम है जिसके अंदर हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है एलेक्स। इस गेम की स्टोरी लाइन के बारे में मैं बात नहीं करूंगा और ये चीज तुम अच्छे से जानते हो, मैं कभी भी किसी भी गेम के स्टोरी लाइन के बारे में बात नहीं करता। बाकी गेम के वर्ल्ड के अंदर काफी सारी पॉपुलर बिल्डिंग्स तुम्हें देखने को मिलेगी जो कि इंस्पायर है रियल लाइफ से, जैसे कि एम्पायर स्टेट, न्यूयॉर्क प्लाजा, जैसे कई सारी लोकेशन है जो इस गेम में तुम्हें देखने को मिलेगी। ये गेम बहुत अच्छा है, तो अगर तुमने इस गेम को कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर खेलना। लिस्ट का जो अगला गेम है, इस गेम का नाम है 007 जेम्स बॉन्ड ब्लडस्टोन। ये गेम रिलीज हुआ था 2010 में, इसके पब्लिशर थे एक्टिविजन। ये गेम रिलीज हर प्लेटफॉर्म पर हुआ था, जैसे कि निंटेंडो, पीसी, एक्सबॉक्स 360 और PS3 पर। देखो जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी की बात करूं तो इस फ्रेंचाइजी में मल्टीपल गेम्स देखने को मिलते हैं और मुझे सारे गेम पसंद आए थे। कुछ गेम बहुत अच्छे हैं तो कुछ गेम काफी अच्छे हैं, लेकिन हाँ अब इस फ्रेंचाइजी को स्टूडियोज भूल चुके हैं क्योंकि अब हमें इस फ्रेंचाइजी में एक भी गेम देखने को नहीं मिलता। देखो अगर गेम की बात की जाए तो गेम सिमिलर देखने को मिलता है अपनी मूवीज से, जैसे अगर तुमने 007 की कोई भी मूवीज देखी हो जिसके अंदर तुम एक जासूस होते हो, बस गेम के अंदर भी सिमिलर एक्सपीरियंस ही मिलेगा तुम्हें। गेम के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, एक अच्छा गेम प्ले और डिसेंट ग्राफिक्स वाला गेम है। गेम खेलने में बहुत मजा आएगा, अगर तुमने नहीं ट्राई किया है कभी भी तो एक बार जरूर इस गेम को खेलना। लिस्ट का जो अगला गेम है, इस गेम का नाम है व्हीलमैन। ये इस गेम का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है विन डीजल भाई साहब। भाई ये काफी मस्त गेम है जिसे 2009 में यूबीसॉफ्ट ने पब्लिश किया था और इसे डेवलप किया था डायगोन स्टूडियो ने। इस गेम के अंदर तुम्हें ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है और ये वर्ल्ड सेट है बार्सिलोना के अंदर। गेम काबिले तारीफ है, गेम की स्टोरी से ज्यादा गेम प्ले खतरनाक है। गेम में ज्यादातर मिशन हमें कार से करने पड़ता है और ये इस गेम को थोड़ा सा अलग और यूनिक बनाता है। गेम के अंदर जो कार के मिशन देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लाइक अजीब और गरीब स्टंट मार रहे होते हैं। विन डीजल पता है ना फास्ट एंड फ्यूरियस में कैसे कैसे स्टंट मार रहा होता है, पर समझो वही चीज तुम इस गेम में एक्सपीरियंस करोगे। तो अगर तुमने इस गेम को नहीं खेला तो मैं बिल्कुल इस गेम को तुम्हें रिकमेंड करूंगा क्योंकि गेम प्ले के मामले में इस गेम का कोई तोड़ नहीं। इसके अलावा ये गेम बहुत ज्यादा अंडररेटेड भी रहा है, तो अगर तुम कुछ अच्छा है ओपन वर्ल्ड गेम देखना चाह रहे हो तो तुम इस गेम को ट्राई कर सकते हो। लिस्ट का जो अगला गेम निकल कर आता है, ये निकल कर आता है यूबीसॉफ्ट की तरफ से और इस गेम का नाम है फार क्राई प्राइमल। भाई अगर तुमने एक सर्वाइवल गेम खेलना है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर सर्वाइवल गेम अभी तक कोई आया है। ये एक FPS गेम है जो कि बेस्ड है 10,000 BC पर। तुमने अगर ये गेम नहीं खेली ना तो एक बार इस गेम को तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर तुम्हें सर्वाइवल गेम्स खेलना पसंद है ना तो ये गेम तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। गेम के अंदर तुम्हें 3 अलग ट्राइब्स देखने को मिलती है और तुम अपने ट्राइब से बिछड़ गए हो। तुम्हारा काम है अपने ट्राइब्स को ढूंढना, पता लगाना कि वो जिंदा है कि मर गए, और इस गेम की शुरुआत में तुम मेमथ के शिकार पर जाते हो और वहीं ये हादसा होता है। तो गेम खेलने में बहुत मजा आने वाला है, अगर तुमने नहीं खेली तो जरूर ट्राई करना। लिस्ट का जो अगला गेम है, इस गेम का नाम है डेडफॉल एडवेंचर। इस गेम के अंदर तुम ट्रेजर हंट करने जाते हो। गेम के अंदर जो तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है जेम्स। ये एक FPS गेम है जिसे खेलकर काफी मजा आने वाला है। इस गेम को 2013 में पब्लिश किया था नॉर्डिक गेम्स ने और इसे डेवलप किया था द फार्म ने। इस गेम के अंदर तुम्हें काफी सारी मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है, ट्रेजर हंट करने जाते हो और भी बहुत कुछ है गेम में करने को। इसके अलावा गेम के अंदर जो वर्ल्ड दिखाया जाता है वो काफी ब्यूटीफुल है, तो अगर तुम्हें इस तरह के गेम्स खेलना पसंद है तो तुम्हें इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि इस गेम का गेम प्ले बहुत अच्छा है। लिस्ट का जो अगला गेम है, इस गेम का नाम है मैड मैक्स। अब देखो अगर तुमने मैड मैक्स गेम के बारे में नहीं सुना तो मूवीज तो जरूर देखी होगी, और स्पेशली जब मूवीज के बेस पर कोई गेम बनता है वो गेम इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन मैड मैक्स के लिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि मैड मैक्स एक बहुत अच्छा गेम है जिसके अंदर तुम्हें एक अच्छा खासा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है। और इस गेम का जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता है वो इसका कॉम्बैट। भाई बहुत मजा आता है इस गेम में फाइट करने में। इसके अलावा तुम धीरे धीरे अपने कार्स को अपग्रेड करते जाते हो और अपने एनिमी की टेरिटरी को डिस्ट्रॉय
करना होता है। गेम खेलो, बहुत मजा आएगा। लिस्ट का जो अगला गेम निकल कर आता है उस गेम का नाम है टॉम क्लेंसी स्प्लिंटर सेल ब्लैकलिस्ट। ये गेम बहुत अच्छा है। इस गेम के अंदर तुम एक स्पाई हो जिसे अलग अलग मिशन पर भेजा जाता है। अब मिशन को कैसे करना है ये पूरा तुम्हारे ऊपर है। तुम इस गेम को एग्रेसिवली खेल सकते हो या फिर सेल मोड पर आराम आराम से खेल सकते हो। गेम दोनों तरीके से खेलने में बहुत मजा आता है। तो अगर तुमने इस गेम को कभी ट्राई नहीं करा तो इस गेम को जरूर खेलना, क्योंकि गेम के ग्राफिक्स भी अच्छे हैं। ये गेम बहुत वेल नोन पब्लिशर की साइड से आता है, यूबीसॉफ्ट। तो गेम तुम्हें प्रॉमिस करेगा एक अच्छे गेम प्ले की। लिस्ट का जो अगला गेम है, इस गेम का नाम है बैटलफील्ड 4। नाम तो सुना ही होगा क्योंकि एक बहुत पॉपुलर गेम है। इसके अलावा ये गेम हमें देखने को मिलता है ईए की साइड से, और ये गेम का जो एनवायरमेंट है वो सीओडी के एनवायरमेंट से ज्यादा अच्छा है और गेम खेलने में उतना ही मजा आता है। तो एक बार तुम इस गेम को जरूर ट्राई करना। लिस्ट का जो अगला गेम है ये एक बहुत पॉपुलर फ्रेंचाइजी से आता है, मैं बात कर रहा हूँ असासिन क्रीड की। गेम का नाम है असासिन क्रीड 3। ये गेम का आइडिया यूबीसॉफ्ट को उस रूमर से आया था जो 2012 के लिए फैला था, जैसे कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, बस उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये गेम। इस गेम का जो ओपन वर्ल्ड है वो एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है, और इस गेम में फर्स्ट टाइम हमें नॉवल फाइट देखने को मिली थी। गेम को एक बार जरूर ट्राई करना, तुम खो जाओगे इस गेम के ओपन वर्ल्ड में। गेम खेलने में काफी अच्छा, इसका गेम प्ले तुम्हें कभी भी बोर होने नहीं देगा। इसके अलावा तुम दूसरे पॉपुलर गेम्स भी खेल सकते हो, जैसे कि फार क्राई 2, 3, चेस्ट कोर्स 2 खेल सकते हो जो कि काफी अच्छा गेम था। इसके अलावा बैटमैन खेल सकते हो। इन सारे गेम्स के बारे में मैंने इसलिए बात नहीं करी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है और काफी सारे यूट्यूबर्स इन गेम्स के बारे में ऑलरेडी बात करते रहते हैं। तो बस यार, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इसके अलावा ये चीज याद रखना कि मैंने इस वीडियो के अंदर तुम्हें जो भी गेम बताया वो पुराने हैं, तो अगर तुम इन्हें ऑफिशियली जाकर खरीदने वाले हो तो एक बार पहले चेक कर लेना कि इन गेम्स के सर्वर एक्टिव है भी या नहीं। वैसे डरने वाली बात नहीं है, अगर एक्टिव सर्वर नहीं है और तुमने गेम खरीद ली तो तुम्हें पैसे रिफंड हो जाएंगे, लेकिन क्यों रिफंड 2-4 दिन के लिए अपने पैसों को कहीं अटकाना। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायो नारा।